सुनो भाई, देखो जो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें मतलब जितना बताया था ना, पहले तो वो सारी सारी बात तुम्हें जो मतलब मैंने उसके जितनी थ्योरी लिखवाई थी ट्रायल बैलेंस की, पहले वो सारी सारी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ना वो हमें जो ध्यान रख के चलनी है। अब इससे कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें ये सारी की सारी बात पता रहती कि भाई किन किन चीज़ों को देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मान लो ट्रायल बैलेंस आज आधे घंटे बाद निपटा दोगे आराम से, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले ना हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, कुछ कुछ रूल्स होते हैं कि तुम्हें पहले मैंने बैलेंस जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस है उसको मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया था, ठीक है, और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें क्या है क्वेश्चन करने, ठीक। तो देखो पहला मेरे पास क्या बोलना है कि भाई पहले ये रूल है, ठीक है, वो ध्यान रखे चलना कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, भाई पहले पहला रूल तो ये है, ठीक है। दूसरा है ऑल इनकम एंड गेंस आर क्रेडिट, ठीक है भाई। देखो ये पहले हमें क्या ये दो बात पता होनी चाहिए कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेंस आर क्रेडिट, ठीक है। देखो पहले हमें क्या ये बात पता होनी चाहिए। अब सुनो भाई, इस बात को देखते हुए ना जो अगली बात हमें जो ध्यान रख के चलनी है ना, कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जिनको हम देखते हुए चलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास क्रेडिट होंगी, ठीक है। अब सुनो भाई, सबसे पहले ना मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी असेट्स होते हैं, ऑल असेट्स, उसको हम करेंगे डेबिट, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सुनो भाई, एक्सेप्शंस क्या है कि भाई मान के चलो सारे के सारे असेट्स डेबिट करेंगे, लेकिन कुछ कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम हो सकता है क्रेडिट कर दें, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं तुमसे बोल दूं कि कैश है, कैश क्या है असेट्स, उसको डेबिट कर देंगे, तो कैश अकाउंट मेरे पास क्या असेट्स होता है उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बैंक अकाउंट क्या है, वो भी तो असेट्स है, उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट भी तो असेट्स है, वो डेबिट होना चाहिए, लेकिन अगर मेरा जो बैंक है उसका जो बैलेंस है वो नेगेटिव में आ रहा है, अगर बैंक का जो बैलेंस है वो किस में आ रहा है नेगेटिव में, तो हम भाई क्या समझना हमें इसके अंदर कि देखो अगर मेरे पास जो मेरा बैंक है और उसका बैलेंस आ रहा है नेगेटिव, तो मतलब क्या बैंक लोन हो गया, वो ओवरड्राफ्ट हो गया ना, तो उसको क्या करेंगे कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये बात हमें बस ध्यान रखनी है, उसी को बोलेंगे एक्सेप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि भाई ऑल लाइबिलिटीज, ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटी है वो सारी सारी क्या हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ कुछ है, यहाँ पे भी कुछ कुछ क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है, बताओ पहले ये बात समझ आ रही है। अब सुनो मैं कुछ कुछ बातें लिख दे रहा हूँ, यहाँ से मान लो पूरा बोर्ड भरेगा, देखते हैं क्या क्या चीज़ हमारे पास है। पहला मेरे पास है कैश, ठीक है भाई, कैश हमेशा मेरे पास क्या कैश एक असेट्स के नेचर का है, ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको डेबिट करेंगे। दूसरी बात करते हैं मतलब कैश ये कैश अकाउंट है, ठीक है। दूसरा मेरे पास है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भाई बैंक अकाउंट के जो बैलेंस है ना दो टाइप से हो सकते हैं, एक मेरे पास हो सकता है पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, दूसरा होता है मेरे पास नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो सुनो एक मेरे पास का एक होगा पॉजिटिव बैलेंस, दूसरा क्या होगा नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। आप सुनो जो मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस को मेरे पास उसको कर देंगे हम डेबिट, ठीक है। दूसरा जो होगा नेगेटिव बैलेंस उसको करेंगे क्रेडिट। सुनो अब क्यों भाई, पॉजिटिव बैलेंस का मतलब है मेरे पास क्या है कि असेट्स के नेचर हो जाएगा, जो पॉजिटिव बैलेंस है बैंक अकाउंट का वो हो जाएगा मेरे असेट्स के नेचर का, ठीक है, तो इसको हम डेबिट कर रहे हैं। ये कौन से नेचर का है भाई, असेट्स के नेचर का है। दूसरा नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है या फिर बैंक लोन हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये बात है, अगर मेरे पास पढ़ते तो क्या करेंगे उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बैंक लोन के अंदर, तो जो बैंक अकाउंट है इसके अंदर। अब सुनो एक इसके बारे में बताई दे रहा हूं कि जो थर्ड चीज मेरे पास है, मान लो मैं बैंक लोन ले लूं, बैंक लोन, ठीक है भाई, अगर बैंक लोन को लेकर चल रहे हैं तो सिंपल सी बात है, बैंक लोन मेरे पास क्या है, एक लायबिलिटी होगी, ये क्या है मेरे पास, ये होगी मेरे पास लायबिलिटीज, ठीक है। तो भाई लायबिलिटी है तो क्या कर देंगे इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं जो मेरे पास है वो है, मेरे पास आ जाएगा मान लो बिल, ठीक है, बिल दो टाइप से हो सकते हैं, ठीक है, बिल जो मेरे पास क्या है, बिल दो टाइप से हैं, एक जो मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल होता है, ठीक है, जो मेरी असेट्स होती है, ठीक है, असेट्स होगी इसको डेबिट कर देंगे। दूसरा मेरे पास है बिल्स पेएबल, ठीक है, वो मेरे पास है लायबिलिटीज है, और उसको क्या कर देंगे फिर
क्रेडिट बताओ पहले इतनी बात समझ में आ रही है। अपना नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो अब ना मैं कुछ कुछ बातें ऐसी कर रहा हूँ जिनको हम सिर्फ डेबिट ही डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सुनो, अब देखो मेरे पास क्या पहले बता दिया, अब जो फिफ्थ पॉइंट है मेरे पास जो ध्यान रख के चलना है वो क्या है ये समझो पहले। देखो जो पांचवा है ना उसमें जो सबसे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं तुमसे बोल दूं कि गुडविल बताओ क्या है, ठीक है। गुडविल मेरे पास असेट्स है, लायबिलिटी है, क्या है, ठीक है। पहले मैं परचेज की बात करता हूँ फिर सेल्स की बात करूंगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है कि पहले परचेज, परचेज क्या भाई मेरे पास एक टाइप का एक्सपेंस होता है। परचेज क्या होता है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होता है मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेल की बात करता हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या अगला सेल है, तो सेल क्या भाई मेरे पास एक तरीके से इनकम देता है मेरे को ये, ठीक है। सेल करने से क्या मिलती है हमें, इनकम, ठीक है। तो इनकम मेरे पास क्या जाएगा, क्रेडिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट है, ठीक है। फिर मैं अगर अगली बात कर दूं, सेवन पॉइंट हमारे पास है, ये मान के चल लूं, मैं बोल दूं परचेज रिटर्न, मैंने क्या बोला परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो भाई परचेज रिटर्न देखो, परचेज अगर डेबिट हो रहा है परचेज रिटर्न का उल्टा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वैसे ही बात कर दूं सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न मेरे पास क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। भाई देखो हमें ना समझना क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि परचेस है, परचेस बढ़ता है तो खर्चा है, बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है, और अगर घटेगा तो क्रेडिट। दूसरा मेरे पास सेल है, ठीक है, सेल बढ़ा होगा तो मेरे पास क्रेडिट कर देंगे, और सेल अगर घट रहा है तो उसे मतलब सेल्स रिटर्न है उसको डेबिट। इस तरीके से ध्यान रख के चलना है इसको, ठीक है। अब देखो जो मेरे पास अगली चीज है भाई जो नाइन्थ है, ठीक है, अब मैं ये मान के चलो बोल दूं मैं गुडविल की बात करूं, ठीक है, कि गुडविल मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक, मैंने क्या बोला गुडविल, भाई गुडविल मेरे पास एक असेट्स के नेचर का होता है, ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा डेबिट, ठीक है। दसवा पेटेंट बोलते हैं या पूरा बोलते हैं पेटेंट राइट, ठीक है, पेटेंट राइट भी मेरे पास असेट्स के नेचर का होता है, ठीक है, तो ये मेरे पास डेबिट हो जाएगा। अगली बात करते हैं जो मेरे पास इलेवंथ है, ठीक है, तो पेटेंट हो गया, पेटेंट उसका पेटेंट राइट है। अब जो इलेवंथ बात जो हमारे पास है ना वो ये मान के चलो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ट्रेडमार्क, ठीक है, ट्रेडमार्क का मैंने मतलब बताया था पहले भी क्या होता है, ट्रेडमार्क का मतलब हमारे पास किसी भी चीज़ का साइन, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर तुम्हें ना मान लो एक मोबाइल दिया जाए, ठीक है, उस पर मान लो कोई साइन नहीं है तो बोलोगे चाइना मोबाइल है, हम नहीं खरीदेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं उसके पीछे एक एप्पल का लोगो लगा हो, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो मेरे पास क्या वो बिग टाइप का असेट्स नेचर का होता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या बोला मैंने ट्रेड मार्क है, तो ट्रेड मार्क भी कौन सा नेचर का है, असेट्स के नेचर का हो जाएगा, उसको भी क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बातें हमारे पास है वो समझो कि अब किन किन चीज़ों को देखा जाएगा। अब जैसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये बोलूं कि अगर ऐसा हो जाए कि कैपिटल है, कैपिटल किस साइड का होता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो वो इंटरनल लायबिलिटी होती है। देखो लायबिलिटी दो टाइप से होती है मेरे पास, एक होती है एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, दूसरी होती है इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। तो पहले उसकी बात करते हैं जो मेरे पास जितने भी लायबिलिटी हो जाती है, ठीक है, पहले सिंपल समझना भाई, लायबिलिटी हमें पता है कि होगी क्रेडिट, ठीक है, लायबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगी क्रेडिट होगी, ठीक है। तो लायबिलिटी दो टाइप से हो सकती है, एक मेरे पास हो सकती है इंटरनल, एक इंटरनल लायबिलिटी है, जो दूसरी मेरे पास है वो है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सुनो, एक मेरे पास क्या इंटरनल लायबिलिटी है, दूसरी क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब सुनो भाई, जो मेरे पास इंटरनल और जो एक्सटर्नल है ना, इंटरनल के अंदर क्या आ जाएगा कैपिटल, मतलब कि जो ऑनर्स कैपिटल, ठीक है, जो भाई ऑनर है ना उसकी कैपिटल की बात चल जाती है, ठीक है, मतलब कि जो बोल सकते हैं जो भी मालिक है उसने जो पैसा लगाया है वो, ठीक है। उसके बाद अगला मैं मालिक और बोल दूं अगर कि ऑनर ने लोन दिया है, ठीक है, ऑनर्स लोन, ठीक है भाई, ये सारे सारे क्या भाई ऑनर ने, देखो मैंने क्या बताया था, ऑनर अपनी कंपनी को लोन कैसे देगा, क्योंकि कंपनी अलग होती है और ऑनर अलग होता है, इसलिए जो ऑनर कंपनी को लोन देगा वो सारे सारे क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगी ना,
ऑनर ने लोन दे दिया कंपनी को, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, लायबिलिटी होगी। ठीक है, अब सुनो मेरे पास अगला क्या है कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है भाई, एक्सटर्नल के अंदर इनको छोड़ के बाकी सारी बात आती है। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल दूं क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर बोल दूं, और मान लो बिल्स पेबल बोल दूं, ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, बैंक लोन हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि भाई कोई सा भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, ये सारी सारी चीजें, तो ये मेरे पास क्या है कि भाई आउटस्टैंडिंग कमीशन वगैरह जो जो बातें पड़ती है वो सारी सारी। ठीक है, अब ना जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है असेट्स की बात करते हैं। ठीक है, लायबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, मेरे पास अगला क्या आ जाएगा, असेट्स आ जाएगा। ठीक है, जो है असेट्स, ठीक है, तो असेट्स के अंदर मेरे पास क्या क्या बातें पड़ेगी भाई, असेट्स को ना सिंपल लेके चलो, जितने भी असेट्स होंगे ना वो सारे के सारे मेरे पास क्या है, डेबिट हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर भाई। अगला है, सुनो अगला मेरे पास है प्रोमिसरी नोट। भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है, देखो ये हमारे पास एक ऐसा नोट होता है, देखो मेरे पास क्या है प्रोमिसरी नोट का एक ऐसा नोट है जिसके बदले हमें भाई ये मान लो पैसे मिलते हैं। ठीक है, मैं इस नोट को लेकर कहीं भी जाऊंगा, ठीक है, मतलब कि जिसने इस, वैसे बिल्स पेबल होता है ना हमारे लिए बिल्स रिसेबल, ठीक है, उस बंदे ने बना के दिया, साइन वाइन किया, ठीक है भाई हमने रख लिया, ठीक, अब इसको लेके जाएंगे हम 3 महीने बाद, वो हमको पैसे देगा, वही सेम मेरे पास होता है प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक प्रॉमिस किया होता है भाई इतना अमाउंट मैं तेरे को पे कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये भी मेरे पास क्या असेट्स के नेचर का होता है। ठीक है, असेट्स के नेचर का है, इसको भी क्या कर देंगे हम, डेबिट करेंगे। ठीक, फिर और कुछ कुछ बातें देखते हैं भाई, और देखो एक्सपेंस वगैरह की बात कर लेते हैं एक बार, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, सुनो भाई जो मेरे पास एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस के अंदर मेरे पास एक्सपेंस दो टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, एक तो है कि करंट एक्सपेंस, वैसे तुम्हें पता है एक्सपेंस मेरे पास डेबिट होता है, एक्सपेंस तुम्हें पता होगा मेरे पास क्या होता है, ये होता है जितने भी ऑल एक्सपेंसेस है लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, जितने भी एक्सपेंस हुए लॉस हुए सारे सारे डेबिट होते हैं, लेकिन एक्सपेंस हमारे पास दो टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, एक मेरे पास है प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दूसरा है मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अब भाई समझो मेरे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो प्रीपेड का मतलब मैंने एडवांस में पे कर दिया, ठीक है, प्रीपेड का मतलब क्या है, मैंने एडवांस में पे कर रखा है, तो ये मेरे हो जाएगा असेट्स के नेचर का। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा भाई, असेट्स का नेचर होगा, और अगर असेट्स का नेचर है तो क्या कर देंगे उसको, डेबिट। ठीक है, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है भाई, हमारे पास एक कर्जा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, लायबिलिटी के नेचर का। ठीक है, और लायबिलिटी के नेचर का क्या कर देंगे हम उसको भाई, इसको कर देंगे हम क्रेडिट। ठीक है, बताओ पहले इतनी बात समझ में आ रही है। अभी हम क्या कि और भी जितनी बातें हमारे सामने आती है सबको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, जो जो बातें देखेंगे उन सबको करते रहेंगे। ठीक है, अब सुनो भाई मेरे पास एक है टैक्स। ठीक है, मैंने क्या बताया, टैक्स है। ठीक है, तो टैक्स मेरा क्या होता है, टैक्स पे करूंगा, खर्चा होगा मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, टैक्स है अगला, मैंने बोला कि भाई टैक्स पे किया है। ठीक है, टैक्स में सिंपल लिख रहा हूँ टैक्स, भाई टैक्स मेरे पास एक्सपेंस होता है। ठीक है, एक्सपेंस मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डेबिट होगा। फिर जो नेक्स्ट है मैं बोला 17। ठीक है भाई, देखते हैं कौन कौन सी बातें और तुम्हारे सामने आ सकती है। हाँ भाई एक बात तो छूट दी गई, सुनो भाई कैपिटल तो सबने देखा होगा। ठीक है, कैपिटल का उल्टा क्या होता है, ड्राइंग। ठीक है, सुनो कैपिटल, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ड्राइंग का जो नेचर होता है असेट्स के नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि देखो कैपिटल, जैसे समझो भाई पहले, जैसे मान लो कि पहले कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या है कि मैंने बोला ऑनर होता है। ठीक है, कंपनी है, तो ऑनर ने कंपनी को पैसे दिए उधार, तो कंपनी पे क्या है, हम तो अपने आपको कंपनी में आगे चलते हैं ना, तो कंपनी पे लायबिलिटी आ गई, क्योंकि उसको कंपनी मतलब कि जो कैपिटल दी है कंपनी उसको उस पर ब्याज देगी, ऐसा देगी ना। ठीक है, उस पर ब्याज देती है, मतलब इंटरेस्ट पे करती है उसको। लेकिन अगर कंपनी ने इसको पैसे दिए, कंपनी ने ऑनर को पैसे दिए, कंपनी के मालिक को पैसे दिए, उसको ड्राइंग बोलते हैं। अब कंपनी उससे पैसे लेगी, उससे इंटरेस्ट लेगी ना उससे। ठीक है, अब भाई ये जो बात हुई इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग है। जहां जहां से पैसे हमें आते हैं ना वो हमारा असेट्स होता है। ठीक है, अब सुनो तो भाई मैंने क्या बताया था अभी, ड्राइंग
ड्राइंग का नेचर क्या होता है, असेट्स का नेचर होता है, अब उससे क्या कर देंगे हम डेबिट। ठीक है भाई, डेटर के बारे में पता ही होगा, डेटर होता है मेरे पास असेट्स, ठीक है उसे भी कर देंगे हम डेबिट। ठीक है अब और देखते हैं जो जो बातें हमारे सामने आ सकती है वो सारी सारी बात देखेंगे। क्रेटर तो बता दें मैंने, ठीक है अब सुनो भाई, अब मेरे पास है जैसे मान के चलो अब ना मैंने अच्छा तुम्हें ये बताया मैंने रिटर्न पता परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बताया था, ठीक है बता रखा, लेकिन इसका ना एक थोड़ा सा और समझो इसको और क्या क्या बोल सकते हैं। ठीक है जो जो हमारे सामने डाउट आ सकते हैं वो सारे सारा देख लेंगे आज। ठीक है मैंने ये बोल दिया कि भाई रिटर्न मैंने बोला रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, ठीक है दूसरा है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है मैंने क्या बोला रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। अब सुनो भाई मैंने रिटर्न किया है लेकिन आउट गया है, मैंने क्या बोला रिटर्न है लेकिन आउट है, आउट कैसे हुआ होगा, बाहर गया होगा सामान तो पहले परचेस करके लाऊंगा, पहले मैं परचेस करके लाऊंगा उसी के बाद तो आउट हुआ होगा ना, तो परचेस ठीक है परचेस रिटर्न, तो मैंने क्या बोला रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट है। भाई रिटर्न आउटवर्ड अगर अकाउंट है इसका मतलब क्या है, भले रिटर्न हमने आउट किया है मतलब कि हमें जो रिटर्न कैसे किया आउट बाहर गया है, ठीक है हमें समझना क्या है इसके अंदर कि भाई पहले हमने ठीक है पहले परचेस किया होगा फिर जाके रिटर्न किया है, तो ये क्या हो जाएगा परचेस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है तो क्या समझना है भाई इसको, ये जो मेरे पास है ये है परचेस रिटर्न, ठीक है तुम्हें इसके बारे में पता ही है, ये है परचेस रिटर्न। ठीक है अगली बात करता हूं रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ठीक है तो भाई ये मेरे पास क्या हो जाएगा सेल्स रिटर्न। अब सुनो भाई ऐसा क्यों है मेरे पास रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है रिटर्न जो हुआ है वो अंदर की तरफ हुआ है तो पहले हमने बेचा होगा ना तभी तो दोबारा रिटर्न अंदर आया होगा, ठीक है तो भाई तो रिटर्न इनवर्ड। ठीक है तो देखो भाई परचेस रिटर्न मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रेडिट होता है, ठीक है और जो सेल्स रिटर्न है वो डेबिट होता है। ठीक है अब 21st की बात करते हैं, 30 तो पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से। अब सुनो भाई नेक्स्ट मेरे पास है भाई असेट्स के बारे में पता है ना, जितने भी असेट्स वगैरह होंगे वो सारे सारे क्या होंगे मेरे पास डेबिट हो जाएंगे। ठीक है अच्छा अब ना हम थोड़ा और बात करते हैं, ठीक है एक मेरे पास अब डिस्काउंट की बात करते हैं। ठीक है जो डिस्काउंट है वो मेरे पास दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है एक हो सकता है डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, दूसरा क्या हो सकता है डिस्काउंट अलाउ। ठीक है अब सुनो भाई अगर मैंने डिस्काउंट मुझे रिसीव हुआ मतलब कोई इनकम है, ठीक है ये मेरे पास का इनकम बोल सकते हैं प्रॉफिट बोल सकते हैं, ठीक है मेरे पास का ये मान लो एक टाइप का प्रॉफिट है, ठीक है वैसे गेन बोलेंगे, ठीक है एक टाइप का मेरे पास गेन है ये, भाई मुझे कहीं से डिस्काउंट मिल गया तो गेन हो जाएगा ना वो, ठीक है तो गेन मेरे पास जो गेन है वो क्या हो जाता है, तो अगर मेरे पास गेन है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है डिस्काउंट अलाउ किया, एक टाइप का लॉस होता है मेरे पास, ठीक है तो भाई अगर लॉस है तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ठीक है बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक अब सुनो भाई जो हमारे पास अगला आ जाएगा मान लो अच्छा सैलरी है, सैलरी का क्या होगा, सैलरी इनकम है, हमने सैलरी किसी को दी कंपनी तो देता है ना, ठीक है तो खर्चा हमारा एक तो क्या हो जाएगा एक्सपेंस तो डेबिट होगा। ठीक है तो जो 22 है वो क्या है मेरे पास सैलरी है, ठीक है सैलरी क्या है मेरे पास एक्सपेंस है और इसको करते हैं डेबिट। ठीक है और जो 23 है, ठीक मैं अगला बोल दूं कि भाई हमारे पास है एक ना स्टॉक की बात करते हैं, ठीक है स्टॉक जो मेरे पास है स्टॉक, ठीक है भाई स्टॉक मेरे पास दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है एक मेरे पास होगा ओपनिंग स्टॉक, पहला क्या होगा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है और जो दूसरा है वो है क्लोजिंग स्टॉक। भाई सिंपल सी बात ध्यान रखनी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी और ओपनिंग स्टॉक मेरे पास असेट्स है, ठीक है तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये डेबिट। अब सुनो
हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्यों नहीं करेंगे। ठीक है भाई, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो हमारे पास इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमारा लिखा होता है एक तरीके से एडजस्टमेंट के अंदर लिखा होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट सारी सारी बातें जितनी बातें ना एडजस्टमेंट की वो सारी बात बताऊंगा बाद में। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना, जो ओपनिंग स्टॉक है वो असेट्स होता है। ठीक है, और बस असेट्स उसको डेबिट कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक अभी छोड़ते हुए चलो। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट 24 जो हमारे पास है, भाई कैश का बैलेंस क्या होगा, कैश क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, और कैश इन हैंड, क्योंकि भाई कैश तो कैश है। ठीक है, कैश इन हैंड हो, कैश एट बैंक हो, बात तो ही पड़ती है। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास है, मैंने बोला भाई कैरेज की बात करते हैं। ठीक है, मेरे पास है कैरेज। भाई सुनो, कैरेज मेरे पास क्या है, दो टाइप्स हो सकते हैं। ठीक, एक मेरे पास होगा मतलब कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड अकाउंट, दूसरा है कैरेज आउटवर्ड अकाउंट। सुनो भाई, अगर कैरेज इनवर्ड है मतलब कि खर्चा है मेरे पास, भाई दोनों सिंपल ध्यान रखो, एक टाइप का एक्सपेंस है मेरे भाई। ठीक है, दोनों क्या मेरे पास खर्चा है, तो सिंपल सी बात है दोनों को डेबिट ही करेंगे। ठीक है, इसमें कोई वो बहुत क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मेरे पास कैरेज क्या है, कैरेज क्या है, आने जाने का भाड़ा होता है। ठीक है, तो मेरे पास तो खर्चा ही ना, मैं भले ही अंदर आऊँ या फिर बाहर जाऊँ, तो सामान को लेके आने जाने में जो खर्चा होता है ना उसी को बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, या मतलब कि सामान को लेके आने में कैरेज इनवर्ड और लेके जाने में कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, तो है तो खर्चा ही, तो सिंपल क्या कर देंगे, उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, 25th की बात करते हैं। ये बोला मुझे कहता, हाँ भाई सुनो, पहले ही बोला था भाई सुनो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दो टाइप से मेरे पास, एक है इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, एक है इंटरेस्ट पेबल, दूसरा मेरे पास है इंटरेस्ट रिसीवेबल। ठीक है, सुनो भाई, इंटरेस्ट पेबल जो मेरे पास है वो क्या है और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है, सुनो भाई, पहले बताओ इंटरेस्ट जो मेरे पास पेबल है, ठीक है, मुझे पता है खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जो मेरे पास जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, क्यों भाई, डायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे सारे होते हैं विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जो सारे सारे मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और वो सारे सारे एक्सपेंसेस जिसको जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो भाई वही चीज़ें हमारे पास हैं। तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट पेबल जो होगा, देखो ये मेरे पास वैसे है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस, मैं बस समझाने के लिए बता रहा था कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास क्या है, वही सारी सारी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो इंटरेस्ट जो पेबल है वो मेरे पास इंटरेस्ट पेबल है कि एक टाइप का एक्सपेंस है, ये मेरे पास क्या है, ये है एक्सपेंस, और एक्सपेंस होगा उसको करेंगे डेबिट, और इंटरेस्ट रिसीवेबल इनकम मिल, मेरे पास इनकम आ रही है। ठीक है, तो इनकम है इसे कर देंगे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 26 जो हमारे पास है वो देखो क्या है, डेटर का उल्टा बैड डेट। सुनो देखो, अब मेरे पास क्या है कि भाई मैंने पहले डेटर के बारे में बताया, जो डेटर है उसके बारे में पता ही होगा। ठीक है, डेटर का उल्टा क्या होता है, वो तो ठीक है, अब मैं बोल दूं अगर डेटर भाग गया, पैसे बिना पैसे दे भाग गया, बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट क्या है, लॉस, बैड डेप्ट लॉस एक टाइप का। ठीक है, तो अगर बैड डेप्ट मेरे पास लॉस है तो भाई साहब समझ जाओ बस, जो बैड डेप्ट है, ठीक है, एक टाइप का मेरे पास क्या है, वो लॉस है, तो लॉस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, क्योंकि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, और जो मेरे पास अगला है, मैंने सेल्स बता दिया, परचेस बता दिया, डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट तो मैंने बताया नहीं अभी, पता चलो डिस्काउंट बता दिया, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट से बता दिया। ठीक है, उसके बाद है, अब देखते हैं क्या है मेरे पास भाई, जो अगला है, अच्छा सबको कैपिटल के बारे में बता दिया मैंने, कैपिटल मेरे पास लायबिलिटी होती है उसको क्रेडिट करते हैं, दूसरा मेरे पास डेटर, डेटर असेट्स है। ठीक है, डेटर असेट्स है तो क्या करते हैं उसको डेबिट करेंगे, और फिक्स्ड असेट्स, भाई फिक्स्ड असेट्स के अंदर मेरे पास क्या है कि मतलब वही सिंपल जितने फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, प्लांट, जितनी चीज़ें वो सारे सारे क्या ये हो गया। ठीक है, अच्छा बोल दो फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ठीक है,
फ्री होल्ड प्रेमिस क्या मैंने क्या बताता, ये भी सेट साइड टाइप का खाली पड़ा हुआ प्लॉट, ठीक है, फ्री होल्ड प्रेमिस जो हमारे पास है खाली पड़ा हुआ प्लॉट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेट साइड टाइप का वो, तो वो मेरे पास कर जाएगा डेबिट होगा, ठीक है, थोड़ा लिख लेना इसको। नेक्स्ट मेरे पास है भाई वेजेस, मैंने किसी को वेजेस है, वेजेस क्या होगा, वेजेस एंड सैलरी, एक्सपेंस है वेजेस, पता है ना क्या होता है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, लिख देता हूं फिर क्या जा रहा है, ठीक है, मेरे पास क्या है वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, मेरे पास एक टाइप का एक्सपेंस होता है, ठीक है, और एक्सपेंस मेरे पास क्या होगा फिर ये डेबिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो देखते हैं हमारे पास भाई रेंट है, रेंट क्या होगा, रेंट दो टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, सुनो मेरे पास क्या है कि 28 है, देखो भाई सबसे पहले ना रेंट तुम्हारे सामने है ना, समझ जाना कि भाई हमने पे किया है, अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, हम क्या समझेंगे हमने पे किया है, ठीक है, लेकिन अगर रेंट मेरे पास दो टाइप्स हो सकते हैं, वैसे जो रेंट है, रेंट भी क्या दो टाइप्स हो सकते हैं, एक क्या हो सकता है पेबल, ठीक है, दूसरा रिसीवेबल, ठीक है, तो भाई अगर रेंट मेरे पास पेबल है तो क्या कर देंगे इसको डेबिट क्यों करेंगे भाई, क्योंकि एक्सपेंस है, ठीक है, मेरे पास क्या है ये एक्सपेंस एक टाइप का, तो इसको कर देंगे हम डेबिट, और जो रिसीवेबल है, ठीक है, वो मेरे पास क्या है एक टाइप की इनकम है, ठीक है, तो इसको कर देंगे हम क्रेडिट, ठीक है, बताओ ये सारी बात समझ में आ रही भाई, और भी बहुत सारी बातें हमारे पास हैं जिसको हम देखेंगे, सुनो पहले सारी बात समझ में आ गई भाई, जिनको जिनका हाथ ना इन चीज़ों में जम जाए ना, वो मान लो ट्रायल बैलेंस को यूँ खत्म कर देगा आराम से, क्वेश्चन आते ही वो देखा अच्छा ये चीज़ है ये, उसको उड़ा देगा पक्का, ठीक है। अच्छा मैंने भाई एक ना नाम लिख दिया, मान लो मैंने एक नाम लिखा है सिंपल, ठीक है, मैं लिख दिया राम, ठीक है, मैंने लिखा राम, ठीक है, अब बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा क्या होगा, मैंने बोला जो राम है डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। अब इसको देख थोड़ी देर में रुक जाओ, ठीक है, पहले से हाँ तो क्या मत भेड़ो, सुनो भाई देखो, अब जो मैंने तुम्हें लास्ट में लिखवाया था क्या था, कौन सा पॉइंट था और राम वाला पॉइंट कौन सा था, 29, ठीक है, सुनो भाई मैंने बोला राम, ठीक है, बताओ ये डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, ठीक है, सुनो इसके आगे ना मेरे पास अगर लिखा हुआ आ गया कि डेटर है, ठीक है, देखो लिखा हुआ आएगा ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखा होगा डेटर होगा या फिर क्रेडिटर होगा, ठीक है, अब सुनो एक तो ये लिखा हुआ आ सकता है, ठीक, उसके बाद या तो फिर इसके बदले ना नीचे वो तुम्हें दे देगा एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, मेरे पास एक क्या है कि इंफॉर्मेशन होती है, एक टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जिसके बेस पे हमें क्या है कि देखना होता है कि देखो डेटर है कि देखो, अगर डेटर हुआ तो डेबिट कर देना और क्रेडिटर हुआ तो फिर क्रेडिट, ठीक है। और भाई 30 की बात जो मेरे पास नेक्स्ट है उसकी बात करते हैं, कमीशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो देखो मेरे पास जो है कमीशन, ठीक है, कमीशन भी दो टाइप से हो सकते हैं, ठीक है, एक मेरे पास है रिसीवेबल, ठीक है, दूसरा है मेरे पास पेबल। अब सुनो भाई जो कमीशन रिसीवेबल है दूसरा है कमीशन पेबल। अब देखो भाई जो मेरे पास कमीशन रिसीवेबल है इसका मतलब क्या है, ठीक है, मेरे पास इसका मतलब इनकम है, कमीशन रिसीवेबल का मतलब क्या है मेरे पास इनकम है, तो इनकम है मेरे पास तो क्या कर देंगे इसको क्रेडिट, ठीक है, और जो पेबल है कमीशन एक टाइप का एक्सपेंस होगा मेरे पास, ठीक है, एक टाइप का एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या कर देंगे भाई हम डेबिट करेंगे, ठीक। 31st देख लो, भाई नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा मैं बता स्टॉक की बात बताई मैंने, स्टॉक का बता दी मैंने, ठीक है, अगला देख लो मेरे पास है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सुनो भाई जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके अंदर समझो क्या है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट सिंपल सा मेरे पास ना भाई एक असेट्स होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मैंने किसी भी कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, वहां से मुझे क्या रिटर्न मिलता है, ठीक है, ये क्या मेरे पास
मनी इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड इन एनी स्टॉक और शेयर फ्रॉम वेयर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। ठीक है, तो मेरे पास असेट्स है, तो असेट क्या कर देंगे उसको हम डेबिट। फिर 32 देखते हैं, भाई मैं तो बता था ना कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम क्या है बैलेंस शीट के अंदर नहीं, वो मतलब जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर लेके नहीं चलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, ध्यान रखे चलना। भाई मेरे पास एक आता है फिक्सर, ठीक है, फिक्सर ठीक है भाई मेरे पास ये ना, ये मान लो फर्नीचर का पार्ट है, फर्नीचर एंड फिक्सर, ठीक है, फिक्स करने वाला। तो मेरे पास क्या है कि असेट्स होता है एक टाइप का, ठीक है, असेट्स कर देंगे डेबिट। अच्छा बताओ, एक टेबल है, ठीक है, मान लो एक मेरे पास क्या है नई टेबल है, ठीक है, नई टेबल असेट्स है, ठीक है, अब एक पुरानी टेबल है, वो बताओ क्या है, असेट्स ही है, ठीक है, ध्यान रखना, नई टेबल पुरानी टेबल वो कोई बात नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो असेट्स मेरे पास क्या है भाई, असेट्स ही रहेगा। उसके बाद भाई देखो, अब ना जो हमारे पास नेक्स्ट जितनी बातें आती हैं वो देखते हैं। मैंने बता दिया कि भाई अब जो नेक्स्ट है वो मैंने बोला प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, मैंने, अच्छा पहले डेप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो 33 है, ठीक है, वो क्या है मेरे पास, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। भाई डेप्रिसिएशन मैंने बताया एक टाइप का एक्सपेंस होता है, ठीक है, एक्सपेंस है, और किस टाइप का एक्सपेंस है भाई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो। अब सुनो भाई, मेरे पास डेप्रिसिएशन क्या एक टाइप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस तो भाई सिंपल सा याद रखना है, डेबिट ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मैंने क्या बोला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, भाई सुनो, मैं तुम्हें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या बताया था। प्रोविजन जो मैं हम बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके उस पैसों से मशीन दोबारा खरीद पाए। प्रोविजन का मतलब क्या, प्रोविजन मेरे पास एक ऐसा साइड रखा हुआ अमाउंट होता है जिससे हम क्या फ्यूचर में मतलब कि असेट्स को दोबारा खरीद पाए। तो मैंने कहा था जब भी मेरे पास पैसे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। जब भी मेरे पास पैसे क्या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखे हुए क्या बोलेंगे उसको, हम लायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक है प्रोविजन के बारे में मैंने पहले बताया था कि मनी सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो इसको क्या बोलेंगे, मनी सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या है भाई, जो मेरे पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका नेचर मेरे पास क्या है, लायबिलिटी के नेचर का है, ठीक है। और अगर लायबिलिटी के नेचर का क्या, उसको अगर मेरे पास लायबिलिटी के नेचर का क्या कर देंगे इसको हम क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि भाई ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मेरे पास के डेबिट होते हैं, ठीक है। वैसे असेट्स मेरे पास सारे सारे डेबिट होते हैं और जो लायबिलिटी वो सारे सारे क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई अगला है मेरे पास, भाई ड्राइंग के बारे में बताया था मैंने, ड्राइंग हो गया था, और जो मैंने बोला फ्री होल्ड प्रेमिसेस लिखवाया था, लिखा नहीं लिखा, फ्री होल्ड प्रेमिस पता है, सिंपल से मेरे पास असेट्स है, ठीक है। तो जो फ्री होल्ड प्रेमिसिस है, ठीक है, उस चलो लिख देता हूँ, ठीक है, फ्री होल्ड प्रेमिसिस, ठीक है, ये मेरे पास का एक टाइप का असेट्स होता है,
ठीक है, और असेट्स को क्या करते हैं भाई, इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं 36, 50 पहुंच जाए बस। अच्छा भाई एक्सपेंस बताओ क्या होगा, एक्सपेंस क्या होगा, खर्चा होगा। ठीक है, और मैं अगर बोल दूं प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट होगा क्रेडिट होगा, क्या होगा, डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास पहले ही पे किया हुआ खर्चा होता है जो हमारे असेट्स का है भाई, एक्सपेंस ही तो है सिंपल, डेबिट होगा। वैसे भी दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस असेट्स होता है, दूसरा हमने एक्सपेंस से हो ठीक है तो भी डेबिट होगा। तो ये तो पहले बता चुका था, फिर इतना गुल होना है भाई। सुनो अब मैं बोल दूँ अगला जर्नल एक्सपेंस, मैंने क्या बोला भाई, जर्नल एक्सपेंस है ठीक है। तो अगर जर्नल एक्सपेंस में बोलता हूँ वो क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, जर्नल एक्सपेंस डेबिट या फिर क्रेडिट, क्योंकि भाई एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं जर्नल एक्सपेंस, सिंपल सी बात है, मेरे पास एक टाइप का एक्सपेंस ही है ये ठीक है, तो मेरे पास डेबिट ही होगा। 37 जो मेरे पास पॉइंट है भाई, मैंने बताया था अभी, तो मैं बोल दिया कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेकिन अगर मैं बोल दूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सुनो पहले तो मैं बताता हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या है। इससे मान के चलो कि मैंने किसी को सामान बेचा ठीक है, मैंने सामान बेचा उसको मान लो 41,000 का, मैंने कितने बेचा 41,000, 41,000 रुपये का सामान मैंने उसको बेचा ठीक है। अपना वो पता मेरा दोस्त है, मुझे पता कि मेरा दोस्त है वो ठीक है, मतलब कि वो मेरा दोस्त है। अब मैंने उसको 41,000 का सामान बेचा, अब क्या हुआ भाई, मैंने जैसे उसको सामान बेचा ना, मुझे पता है मुझे 40,000 ही देगा ठीक है। तो 1,000 जो 1,000 है मैं उसको क्या बना लूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ठीक है। मुझे उस 1,000 पर डाउट है ना कि वो देगा कि नहीं देगा ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, मतलब कि जब भी टेटर से हमें पहले फील होता है कि बंदा पैसे नहीं देने वाला है ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो देखो मैंने प्रोविजन बनाया ना, ध्यान रखना प्रोविजन किसी भी चीज का बन जाए ठीक है। तो मेरे पास क्या होता है कि लायबिलिटी होती है, प्रोविजन क्या होता है, हम ना प्रॉफिट में से उतना ही पैसा निकाल के रख लेंगे ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है। इसका नेचर क्या भाई, मेरे पास इसका जो नेचर लायबिलिटी का नेचर क्या है, ये लायबिलिटी के नेचर का भाई, अगर लायबिलिटी के नेचर का है तो क्या कर देंगे इसको, क्रेडिट ठीक है। चलो थोड़ा और देखते हैं, भाई कैपिटल क्या होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात पता लग रही है। अरे वो सारा क्रेडिट होगा भाई। ट्रेड एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, ट्रेड एक्सपेंस एक्सपेंस है वो तो डेबिट ही होगा ठीक है। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक है उसकी एंट्री कहाँ करोगे भाई, क्लोजिंग स्टॉक है डेबिट में जाएगा या फिर क्रेडिट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करते हैं, अरे क्या चल रहा है भाई, भाई अब एक बात बताओ कि भाई जो ऑनर है ना ठीक है, उसकी बीवी ने क्या किया है, लोन दे दिया है, ऑनर की बीवी ने क्या लोन दिया है ठीक है, बताओ क्या होगा। हाँ ऑनर की बीवी ने कंपनी को लोन दिया है, ऑनर की बीवी ने कंपनी को लोन दिया है तो क्या होगा, तो भाई लायबिलिटी आ जाएगी ना ठीक है। ऑनर पैसा दे रहा था वो लोन है, तो उसकी बीवी ने लोन दिया वो नहीं होगा लोन ठीक है, तो मेरे पास क्या लायबिलिटी है। तो अगर मैं ऐसा बोल देना कि ऑनर्स वाइफ लोन ठीक है, ऑनर की वाइफ ने अगर क्या है कि लोन दिया है ठीक है, तो भाई वो मेरे पास क्या है, लायबिलिटी के नेचर का है ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास, क्रेडिट हो जाएगा। 39 जो मेरे पास है भाई, डिस्काउंट के बारे में बताओ, डिस्काउंट के बारे में बताना, एक टाइप का एक्सपेंस है मेरे पास ठीक है। और अच्छा ट्रेड एक्सपेंस जो ट्रेड डिस्काउंट, उसका क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट उसकी एंट्री नहीं करते ठीक है, तो समझ जाना उसको भाई, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी नहीं ठीक है। ट्रेड जो डिस्काउंट है ठीक है, इसकी नो एंट्री
ठीक है, या फिर सिंपल कट्टा सा लगा दे, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद जो 40 है, भाई नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग का बताया कोई? अच्छा एक बताओ, एडवर्टाइजमेंट क्या है? हमने जो एडवर्टाइजमेंट किया है भाई, ये क्या मेरे पास एक टाइप का एक्सपेंस होगा? जैसे मान लो मैंने खूब सारे बैनर वैनर छपवा दिए और बटवा दिए, एडवर्टाइजमेंट तो ही मेरा ये, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या होगा मेरे पास? एक एक्सपेंस होगा, ठीक है, और एक्सपेंस होगा तो डेबिट, ठीक है। 41 खर्चा है वो, भाई डेप्रिसिएशन क्या होगा? डेबिट क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, क्योंकि भाई मैंने बता दिया पहले ही कि वो मेरे पास टाइप का खर्चा है वो, ठीक भाई। अब ना अगली बात करते हैं कि इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सुनो भाई, मेरे पास क्या है कि इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। देखो अगर ना भाई हम ना खुद एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, अगर मान देखो इंश्योरेंस का मेरे पास क्या होता है, इंश्योरेंस का मेरे पास आता है इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, मेरे पास क्या है इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, ठीक है। आप सुनो भाई, अगर मेरे पास इंश्योरेंस प्रीमियम आता ना, हमें इसके अंदर समझना क्या है कि अगर इंश्योरेंस प्रीमियम आ गया, सिंपल सी बात ध्यान रख के चलनी है कि ये हमारे पास खर्चा होगा। मान लो मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, मान लो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, और मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, तो हर महीने पे करूंगा ना उसको, तो क्या है खर्चा नहीं मेरा, ठीक है, तो हर महीने का पे करने वाला खर्चा है। तो भाई इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है मेरे पास? एक्सपेंस है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम? डेबिट, ठीक है। 42 पे आ जाता है सर, 45 समथिंग हो पाएंगे भाई। प्लांट एंड इक्विपमेंट, मैंने बोला प्लांट एंड इक्विपमेंट, भाई प्लांट का मतलब सबको पता होगा कोई ना कोई मशीन टाइप होती है, ठीक है। प्लांट मेरे पास क्या है? एक मशीनरी टाइप है, ठीक है। इक्विपमेंट का मतलब क्या है? छोटे मोटे औजार होते हैं, ठीक है। मेरे पास इक्विपमेंट क्या है भाई? हिंदी में बोल रहे उसको औजार बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी औजार है भाई मेरे पास, असेट्स ही तो है मेरी, तो ये सारे सारे मेरे पास क्या असेट्स के नेचर के हैं, ठीक है। असेट्स का तो क्या कर देंगे हम? उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। उसके बाद ना भाई अगर मैं अगली बात कर दूं भाई, ऐसा हुआ कि भाई मैंने बिल्डिंग रिपेयर करवाई अपनी, मेरी एक बिल्डिंग थी, मैंने उसको रिपेयर करवाया, ठीक है। मैंने क्या बताया, एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की मैंने बिल्डिंग रिपेयर करवाया भाई। अगर मैंने बिल्डिंग को रिपेयर करवाया होगा, क्या समझना है हमें? खर्चा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या भाई? एक टाइप का एक्सपेंस है, ठीक है, और एक्सपेंस है तो डेबिट भाई। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा भाई? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है वैसे मेरे पास, पता ना बैंक ओवरड्राफ्ट इज इक्वल टू बैंक लोन, वही बात पड़ती है, ठीक है। अच्छा लेकिन तुम्हें बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन के बारे में पता क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक लोन क्या है? सुनो, जब हम ना खुद जाके लोन लेते हैं ना, वो तो मेरे पास सिंपल मतलब कि पैसे मैंने बैंक से लिए उसे लोन बोले, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरी ना बैंक बहुत अच्छी रेपुटेशन है, ठीक है, मेरी क्या है लाखों में करोड़ों में ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है। अब एक बार ऐसा हुआ कि मैंने खूब सारी ट्रांजेक्शन्स कर दी, ठीक है, लेकिन मेरे अकाउंट में पड़े थे एक मान लो 95,000 पड़े थे मेरे अकाउंट में, कितने पड़े थे? 95,000 रुपये मेरे अकाउंट के मतलब बैंक अकाउंट में बैलेंस था। मैंने गलती से ना 1,00,000 का चेक लिख के दे दिया किसी बंदे को, मैंने 1,00,000 का चेक लिख के दे दिया, ठीक है। अब वो भाई निकाल देगा, बैंक बोलेगा भाई इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, चेक पास कर दो इसका, ठीक है। चेक पास किया, देखा तो भाई 5,000 रुपये माइनस में चलेगा उसके अकाउंट में, ठीक है। अब ये जो माइनस में गए ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बताओ बात समझ आ रही है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? तो मैं ये बात पता होनी चाहिए। उसके बाद तो बैंक ओवरड्राफ्ट में बस क्या हो जाएगा, लायबिलिटी होगी वैसे भी, ठीक है, पहले ही बताया मैंने, फिर भी देख लो एक बार, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है भाई। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे इसको? मेरे पास एक लायबिलिटी है, ठीक है, और लायबिलिटी तो क्या, लायबिलिटी क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। फिर 45 पे देखते हैं भाई, अगर मैंने बोल दिया कि ग्राउंड का रेंट गया है, ग्राउंड का रेंट पता है खर्चा ही होगा, ठीक है भाई। अब ये मान के चलो एकर्ड इनकम या एक्रूड इनकम है,
ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्रूड इनकम। भाई क्या एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? हमने कमा लिया, मिला नहीं। ओ बेटे चल, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है भाई, हमने पैसा कमा लिया, मिला नहीं है तो असेट्स हो गए ना, डेटर बन गया मेरा बंदा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, क्या नेचर क्या है इसका भाई, असेट्स है और इसका नेचर डेबिट का आ जाए, बताओ मतलब असेट्स है तो असेट भाई डेबिट ही होता है। ठीक भाई, और अगर तुम्हारे पास कोई दिक्कत आती है ठीक है, तो उसको भी देखते हुए चलेंगे हम कि क्या क्या बातें हमारे सामने आती है। ठीक, डिस्काउंट रिसीव सैलरी दिस रेंट परचेज रिटर्न डेटर वेजेस कैपिटल परचेज का सर्टिफिकेटर्स ओपनिंग स्टॉक है भाई। जीएसटी बताओ क्या होगा मेरे पास, जीएसटी कौन बताएगा? जीएसटी दो टाइप से, एक मेरे पास आउटपुट जीएसटी, दूसरा है इनपुट जीएसटी। कौन बताएगा जीएसटी के बारे में भाई साहब? इसमें थोड़ा समझ जाओ। देखो अगर मैं ऐसी बात कर दूँ ना कि भाई हम जीएसटी के साथ कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, उस टाइम बस हमें एक छोटी सी बात समझ के चलनी है कि मेरे पास जीएसटी किस टाइप से है, मुझे जीएसटी मिल रही है ठीक है, या फिर मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ, क्या बातें पड़ती हैं। ठीक है, तो देखो भाई अगर मैं सिंपल बोल दूँ ना कि हाँ चलो हम जीएसटी देखते हैं, जीएसटी के अंदर क्या क्या बात पड़ती है, सबसे पहले मैं बोलूँगा अच्छा भाई जीएसटी चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो जीएसटी एक मेरे पास होता है आउटपुट, ठीक है, जीएसटी जा रहा है मेरे आउटपुट पे, तो उसको क्या करूंगा मैं, अगर मैं बोल दूं कि भाई आउटपुट जीएसटी है, ठीक है, मैंने क्या बोला जीएसटी मेरा आउटपुट है, ठीक है, दूसरा मेरे पास है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी, दूसरा क्या है इनपुट जीएसटी। अब सुनो भाई, अगर मेरे पास इनपुट जीएसटी आया ठीक है, तो मेरे पास कुछ पहले आया होगा, तुम जरा खुद समझो, मेरे पास कुछ आया होगा ठीक है, इसका मतलब क्या, मैंने परचेज किया होगा तभी तो आया होगा, फ्री में थोड़ी ना आएगा। ठीक है, मैंने भाई साहब कुछ किया है मान लो परचेस, तो मेरे पास इनपुट आया होगा, सामान को अंदर मंगवाने में जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, सामान को बेचने में जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर इनपुट जीएसटी है ठीक है, खर्च किया होगा मैंने भाई, इनपुट जीएसटी है, मेरे पास सामान अंदर आया होगा, मतलब कि भाई देखो तुम्हें ना समझना क्या, इसके अंदर मेरे पास जो जीएसटी है, चलो जीएसटी का पूरा ग्राफ ही कर देते हैं। ठीक है, जीएसटी है मेरे पास, ठीक है, जीएसटी मेरे पास क्या दो टाइप से होगा। ठीक है भाई, कोई सा भी हो, आई जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी में मतलब नहीं है, हमने हमें क्या देखना है इनपुट है या आउटपुट है। ठीक है, तो जीएसटी मेरे पास हो जाएगा दो टाइप से, एक हो जाएगा मेरे पास इनपुट, ठीक है, इनपुट जीएसटी, दूसरा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। अब सुनो भाई, अगर मेरे पास है इनपुट जीएसटी तो क्या होगा, और अगर है आउटपुट जीएसटी तो क्या होगा। सुनो भाई, सिंपल सी बात है, इनपुट जीएसटी हम कब लगाते हैं, जब मैंने कुछ सामान खरीदा तभी तो लगेगा ना। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी जो मेरे पास है वो मेरे पास क्या है कि परचेज पे लगता है। ठीक है, और परचेज मेरा क्या है भाई, एक टाइप का एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस है भाई, अगर एक्सपेंस है तो मेरे पास क्या जाएगा, ये डेबिट, तो इनपुट जीएसटी क्या होगा मेरे पास, डेबिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब बताओ आउटपुट जीएसटी क्या होगा, तुक्का बैठ जाएगा उसका उल्टा होगा। ठीक है, लेकिन तुक्का नहीं बैठा, समझो। देखो भाई, अगर आउटपुट जीएसटी मतलब मेरा सामान कोई आउट गया होगा, ठीक है, सेल हुआ होगा, तो सेल पे जीएसटी मुझे पे करना होता है। ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो है एक मिनट, सेल पे जीएसटी हमें मिलती है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ कि मैंने ना ये मार्कर किसी को बेचा, ठीक है, तो मुझे ना उस पर टैक्स लगा के मेरे साथ देगा, मुझे टैक्स तो मिलेगा ना। ठीक है, वो मेरे पास क्या हो जाएगी उस टाइम, इनकम होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि ये आ जाएगी सेल पे। ठीक है, सेल पे तो मेरे पास क्या एक टाइप की इनकम, ठीक है, और इनकम है तो क्रेडिट। ठीक है भाई, जिसको रट्टे मारना माल में, मैं समझा भी दिया फिलहाल तो। ठीक है, तो बताओ भाई जीएसटी का फंडा भी खत्म, आपका ये कत तो नहीं है, है? बोल दे है तो। भाई देखो, अगर ना तुम ये मान लो इन्हीं चीज को याद करके चलते हो ना, ठीक है, तो भी ये मान लो अच्छा खासा कर जाओगे। ठीक है, अच्छा बताओ बैंक का डेबिट बैलेंस क्या है, इसका मतलब बैंक का डेबिट बैलेंस प्लस है माइनस है क्या है?
बैंक का डेबिट बैलेंस। भाई अब सुनो भाई, तुम्हें इतनी बात तो पता होगी बैंक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, सारी बात पता होगी। लेकिन अगर बोल दूं कमीशन मेरे पास क्रेडिट हुआ है, मैंने क्या बोला, कमीशन क्रेडिट हुआ है, मेरे पास कमीशन मिला होगा, ठीक है। देखो तुम्हें ध्यान के रख के चलना है कि मैंने बोला कमीशन है, ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, कमीशन है। अगर कमीशन का अकाउंट मेरे पास डेबिट होगा तो क्या समझेंगे, एक्सपेंस होगा, यही समझना है ना। अगर कमीशन का मेरे पास अकाउंट क्रिएट हो, क्या समझेंगे, इनकम होगी। अब बताओ समझ नहीं जाओगे, कमीशन के आगे लिखा हुआ है, कमी देखो ना लिखा है, ये भी लिखा कमीशन रिसीव नहीं लिखा, ठीक है, और ना ही कमीशन ये मान लो पेबल लिखा है, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या समझेंगे भाई, कमीशन एक तो मेरे पास रिसीव हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, देखो एक तो मेरे पास रिसीव होगा, दूसरा का पेबल होगा। अब सुनो, जो कमीशन रिसीव है उसमें लिखा हो मेरे पास क्या, क्रेडिट, ठीक, जो कमीशन पे किया उसमें डेबिट। तो मैं आप क्या समझना है कि जितने एक्सपेंस है, अगर खर्चा होगा, ठीक है, जैसे मैं ऐसा बोल दूं कि रेंट जो है ना, रेंट मेरे पास हुआ है डेबिट, रेंट क्या हुआ है, डेबिट, भाई समझ जाते हैं, डेबिट होगा, खर्चा ही होगा पक्का, समझ जाते हैं ना ऐसा, ठीक है। दूसरा बोल दूं भाई रेंट मेरे पास लिखा है क्रेडिट, हाँ ठीक है भाई, इनकम ही होगी पक्का, क्योंकि क्या है मेरे पास, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ये था ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। भाई सुनो, इस चीज के ना थोड़ा क्वेश्चंस कर लेना, क्वेश्चन थोड़ा कराना जमता नहीं है, बिना तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसके जितने क्वेश्चंस है वो सारे ट्राई मारना, तुम्हें फॉर्मेट पता ही होगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या है भाई, वही पर्टिकुलर लेजर फॉल लो, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो मैं ना एग्जाम में क्या पता रहना चाहिए कि भाई कौन सी चीज डेबिट करेंगे, कौन सी चीज क्रेडिट करेंगे, मुझे इतना पता होना चाहिए। तुम इसके क्वेश्चन सारे के सारे कर दोगे, ठीक है, इसे कर डालो नोट डाउन, फिर देखते हैं आगे।